गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 28 लिखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लासेस कंडक्ट किए वीडियो के माध्यम से 27। हमने 27 वीडियो कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो, वीडियो नंबर 28। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर है आपका 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि हम एक यूनिट पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, एक यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो इनकम, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट की है, थर्ड तो चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, किस तरीके से हम मेजर करेंगे नेशनल इनकम को, किस तरीके से निकालेंगे। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम वैल्यू ऑफ एडेड, प्रीवियस वीडियो में हम वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, डबल काउंटिंग को क्लियर कर चुके हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। और अभी तक जितनी भी 27 वीडियो कंडक्ट हो चुकी है तो आप सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक क्लियर समझ में आ जाएगा। जिसने भी आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा उसको सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, जिसने सेकंड नहीं देखा उसको थर्ड नहीं आएगा, और थर्ड नहीं देखा तो फोर्थ नहीं आएगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था उसी टाइम बोला था कि आप एक दूसरे से चैप्टर सिलेक्शन करते हैं तो आप हर एक वीडियो कोई भी जो क्लास कंटेक्ट हो रही है उसको मिस ना करें। यदि मिस करिए तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा स्टडी का, तो इसलिए अपनी सभी प्रीवियस वीडियो देखें, साथ साथ नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। क्लियर। इनकम मेथड के मैंने आपको नेशनल इनकम के मैंने 3 मेथड बताए थे आपको, वैल्यू एडेड मेथड, हम वैल्यू एडेड कर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे इनकम मेथड और एक और बच रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, फिर आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकली बेस बचेगा वो भी हम कराएंगे। तो देखिए बेटा चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है आपका इनकम मेथड, टॉपिक क्या है आपका इनकम मेथड, क्लास 12 इनकम मेथड। इनकम रिसीव बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रहकर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उससे कमा रहे हैं इनकम, उससे इनकम कमा रहे हैं। कंट्री 4 रेंडिंग देयर प्रोडक्ट सर्विस, कौन सी सर्विस कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस, मेहनत करने वाले। फैक्टर इनकम आर एडेड अप टू ऑप्शन नेशनल इनकम, इनकम आई हमने ऐड किया, इनकम को ऐड किया, जो इनकम आएगी हम उसको हम ऐड करेंगे और नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड को निकालकर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बताया था, ऐसे ही इनकम मेथड को निकालकर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बताएंगे। क्लियर। देखिए बेटा इनकम मेथड, इनकम मेथड रिसीव बाय ऑल रेजिडेंट्स, कहां से रिसीव आती है, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, कंट्री में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रेजिडेंट हैं काम कर रहे हैं, फैक्टर इनकम प्रोडक्ट सर्विस कर रहे हैं, मेहनत कर पैसा कमा रहे हैं। फॉर वेडिंग देयर प्रोडक्ट सर्विस, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस कर रहे हैं। अब हमें उनको ऐड करकर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि आप इनकम कहां से कैलकुलेट करें, इनकम कहां से कैलकुलेट करें, किस जगह से कैलकुलेट करें। क्लियर है ना, इनकम आपको ये पता होना चाहिए कैलकुलेट कहां से होगी, इनकम कहां से आती है, इनकम किस किस क्षेत्र से इनकम आती है, सबको कैलकुलेट करके नेशनल इनकम निकालेंगे। क्लियर। देखिए
यहां तक का क्लियर है आपका? तो देखिए सबसे पहले आता है कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर इनकम, कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर इनकम। अब इनकम कहां कहां से जनरेट करेंगे, कहां कहां से आएगी इनकम? देखिए सबसे फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो भी सैलरी एम्प्लॉयड है उनको पैसा किस तरीके से मिलता है, उनको पैसा किस तरीके से मिलता है, बाय कैश मिलता है, बाय अकाउंट मिलता है, ये सारी बातें कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर आती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर इकोनॉमी सर्विस पे डिपेंड करती है, हमारी ज्यादातर कंट्री की इकोनॉमी सर्विस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर आदमी ज्यादातर जॉब करता है ना। तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेज एंड सैलरी इन कैश, सैलरी एंड वेजेज किसमें मिली? कैश में, किसमें मिली? कैश में। वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, वेजेज इन सैलरी इन काइंड का मतलब आपको पता है कि अलाउंस, वेजेज इन सैलरी इन काइंड का मतलब एक तो कैश में मिल गई पैसा, एक आपको पैसा ना मिले लेकिन अलाउंस मिल जाता है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट रेंट के, जब आपको रेंट नहीं दिया जाता कोई भी आप कंपनी में लग रहे हैं तो फ्री हाउस दे दिया, दे दिया ना, फिर अलाउंस दे दिया, बच्चों की फीस का दे दिया, कई तरीके से होती है फ्री और अलाउंस, कई तरीके से होती है, मेडिकल्स दे दिया, फ्री होम दे दिया, फ्री कार दे दी, एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी दे दी आपको, एजुकेशनल फैसिलिटी दे दी मतलब बच्चों की पढ़ाई का खर्च दे दिया, तो वो भी किसमें आता है? वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, वो कैश में नहीं आएगा क्योंकि पैसा आपको मिल नहीं रहा, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, मतलब अलाउंस मिल रहे हैं आपको भत्ता, क्लियर। आगे आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अब आपको एम्प्लॉयर को कुछ स्कीम दी जाती है, क्या दी जाती है? जो भविष्य में, भविष्य में उसका पैसा आप ले सके, भविष्य में आपको उसका पैसा मिल सके आपको, जैसे कोई फंड, प्रोविडेंट फंड, लेबर वेलफेयर फंड, कई तरीके से फंड होता है जिसका पैसा आपको भविष्य में मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब कोई रिटायर होता है, जब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर कोई भी आप रिटायर होता है तो उसको आप बोलते हैं कि देसी भाषा में कि पैसे मिल जाते हैं, वो पैसे उसी के ही होते हैं, वो गवर्नमेंट के नहीं होते। कभी आप सोचते हो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं, गवर्नमेंट के पैसे नहीं होते, उसको जब सैलरी मिलती थी पर मंथ, जब से उसने ज्वाइन किया और एंड तक, जब से उसने ज्वाइन किया और एंड तक कुछ पैसा कट जाता था, कुछ पैसा कट जाता था, और वो जो कटा हुआ पैसा ही उसका क्या होता था? रिटायर को पैसा मिल जाता था एक फंड के रूप में। ऐसे ही भविष्य में आप भी या कोई भी एम्प्लॉयर को एक फंड, लेबर फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, कई तरीके से स्कीम चल रही है जो किसमें आती है? सिक्योरिटी स्कीम, जो भविष्य में आपको प्रदान की जाती है, क्लियर बेटा? फिर सुन लो, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या आती है? वेजेज एंड सैलरी इन कैश, मतलब सैलरी और वेजेज इसमें मिली कैश के अंदर मिली। सेकंड पॉइंट आता है वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, वेजेज इन सैलरी इन काइंड, काइंड का मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा कि आपको पैसा ना मिलकर, आपको पैसा ना मिलकर क्या मिला? अलाउंस मिला। किस तरीके से मिला? मेडिकल अलाउंस मिल गया, एजुकेशनल फैसिलिटी मिल गई, फ्री हाउस मिल गया, फ्री हाउस मिल गया, फ्री कार मिल गया, और फ्री इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए, तो वो क्या हो गया? अलाउंस हो गया, उसको पैसा नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट आपको फायदा देती है या कोई भी कंपनी, लिमिटेड कंपनी आपको फायदा देती है, ठीक है? ये होता है वेजेज इन सैलरी इन काइंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर को कुछ सिक्योरिटी स्कीम होती है जैसे प्रोविडेंट फंड,
ग्रेजुटी, लेबर वेलफेयर फंड और कई तरीके से ऐसे सोसाइटी फंड होते हैं, सोसाइटी फंड होता है, कई तरीके से फंड होता है कंपनी के अंदर, तो वो फंड आपको भविष्य में मिलता है, फ्यूचर पे डिपेंड करता है। जब आप फ्यूचर में जब भी उस कंपनी को छोड़कर जाएंगे, उस संस्था को छोड़कर जाएंगे, तो आपको फंड रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर, यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। आगे क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी। अब देखिए रेंट का मतलब तो सब समझते होंगे, क्यों आपने कोई घर बनाया और उसका रेंट आपके पास आ रहा है, आप तो रहिए नहीं, तो आपने तो उसको बना दिया लेकिन उसमें कोई किराएदार रह रहा है, रेंटर रह रहा है, तो आपको वहां से रेंट मिल रहा है तो इनकम में तो इंक्लूड होगी ना। रेंट या कोई भी घर का मतलब रेंट मिल रहा है। रॉयल्टी क्या होती है? जैसे इमेजिन है मेरे पास कोई संस्था है, मेरे पास कोई संस्था है और जिसका नाम मैंने किसी को दे दिया, मेरे पास कोई संस्था है जिसका ट्रेडमार्क या पेटेंट ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क होता है ना, वो उसको दे दिया और उससे ये कहा कि ये बिजनेस अब आप कीजिए, तो वो उससे जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो किसमें आता है? रॉयल्टी। उससे भी तो इनकम होगी, वो आपको वो खुद तो कमा रहा है, कमा रहा है लेकिन आपको भी तो पैसा देगा वो, आपने फिक्स पार्टनरशिप में किया है ना, आपने बोला, आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि आप मेरे नाम को यूज कीजिए और मार्केट से पैसा कमाइए, जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट मुझे दे, यही होता है ना, तो वो ही क्या होता है? रॉयल्टी के अंतर्गत। क्लियर समझ में आ गया? आगे देखिए बेटा इंटरेस्ट। अब कोई भी कैपिटल्स होगी, जब भी आपके पास एक्शन कैपिटल्स होती है, पूंजी होती है, तो क्या होता है उस पूंजी को हम मार्केट में लगा देते, वहां से वो क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। तो आपकी पूंजी का क्या है? आपकी कैपिटल्स का इंटरेस्ट आया। आपकी जो कैपिटल्स है, आपके आपका जो पैसा है उसका क्या है? इंटरेस्ट आया। तो इनकम तो हुई ना, आपके पास एम्प्लॉय से इनकम हुई, रॉयल्टी से इनकम हुई, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट से इनकम हुई। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग फ्रॉड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट जब भी आप पूंजी मार्केट में लगाते हैं, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगी हुई है उसका तो पता चल जाता है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यदि पैसा मार्केट में दे रखा है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो ब्लैक मनी में चला जाता है, उसके ब्लैक मनी में चला जाता है उसका इंटरेस्ट का पैसा। ठीक है, आगे देखिए प्रॉफिट। आगे क्या आता है? प्रॉफिट से भी इनकम होती है। आपके पास प्रॉफिट आया, आपने सैलरी दे दी, आपने कुछ खरीद लिया, कोई ट्रैक आपने कोई कुछ हाउस बना दिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो कई चीज से प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। देखिए कोऑपरेटिव टैक्स। कोऑपरेटिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट आया तो कंपनी को टैक्स भुगतान करना पड़ता है। डिविडेंड लाभांश मतलब जो भी प्रॉफिट आया उसको कंपनी में शेयर होल्डर में डिवाइडेशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइडेशन कर दिया। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? भविष्य में कोई भी वादा आती है कंपनी को, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भविष्य के लिए लाभांश देकर, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट देकर कुछ पैसा बचा लेती है कंपनी भविष्य के लिए, रिजर्व कर लेंगे सरप्लस। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, क्योंकि आप 12th में तो आपने अभी पढ़ोगे भी एक बैंक का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि बैंक भी आरबीआई को आरबीआई के पास पैसा रिजर्व करके रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बैंक को कभी लॉस हो जाता है, बैंक को कभी लॉस हो जाता है तो आरबीआई से वो पैसा वहां से लेकर अपने लॉस की पूर्ति कर सकती है। और रिजर्व करने के बाद जैसे इमेजिन है कोई बैंक फ्रॉड हो गया, बैंक के अंदर कोई फ्रॉड हो गया किसी भी कारणवश, तो वो पैसा कहां से रिजर्व होगा? जो पैसा उसने रिजर्व करा रखा आरबीआई के पास, तो वो पैसा आरबीआई ही आपको देगा। क्लियर? आगे आता है मिक्स इनकम। इमेजिन है
मैं टीचर हूं, इमेजिन दैट मैं टीचर हो गया और ऑब्वियसली हूं भी, लेकिन मैं टीचर के साथ एक कोचिंग चला रहा हूं, तो वो क्या हो गया, मेरे पास टीचर से सैलरी आई, कहीं भी मैं काम कर रहा हूं मेरे पास सैलरी आई, अकाउंटेबल सैलरी आई, और मेरी कोचिंग की इनकम, क्योंकि मैं कोचिंग में भी काम कर रहा हूं मेरे पास कोचिंग भी है, प्लस मैंने अपना पैसा इंटरेस्ट पे भी दे रखा है, ठीक है, प्लस मेरा हाउस मैंने रेंट पे भी दे रखा है, ये सारा क्या होता है, मिक्स इनकम। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा ऊपर कि डॉक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की सैलरी, गवर्नमेंट से जो सैलरी उनको मिल रही है, जिसके लिए वो यूजेज करते हैं उस सैलरी का, और साथ साथ उनको उस काम का पैसा मिलता है, क्योंकि आपको पता है चाहे किसी भी कंट्री में कहीं भी काम कीजिए, जब भी आप कोई फैक्ट्री सर्विस करेंगे, प्रोडक्टिव सर्विस यूज करेंगे, तो आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का पैसा आपको हर जगह मिलेगा ना, इसलिए डॉक्टर ने मेहनत की तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट डॉक्टर दे दिया, उसके बाद अब डॉक्टर ने क्या किया, उस पैसे को यूज करता, उस पैसे को धीरे धीरे यूज करता, एक क्लिनिक खड़ा करता, होता है सबका क्लिनिक होता है ना, क्लिनिक खड़ा कर लिया, अब गवर्नमेंट से भी उसको सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट को उससे सैलरी आ रही है, और साथ साथ उसने क्लिनिक भी खड़ा कर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्टर है, बुरा मत मानिए, कोई भी डॉक्टर होगा, पेरेंट्स आपके होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट चीजें की सैलरी उससे पास आ रही है, और आप क्लिनिक खड़ा नहीं कर सकते, ये रूल है कि आप साथ साथ अपने दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते खुद के नाम का, ठीक है। तो ये होती है मिक्स इनकम, दोनों तरफ से, तीन तरफ से, चार तरफ से, जितनी फोर टाइम की तरफ, जितने भी तरफ से आ रही इनकम, तो होती मिक्स इनकम। मुझे स्कूल से मिली, मेरी कोचिंग से भी आई, मेरे मैंने हाउस रेंट भी दे रखा है वहां से भी आई, और मैंने मार्केट में पैसा ले रखा है तो वहां से भी इनकम आई, वो कौन सी इनकम हो गई, मिक्स इनकम। क्लियर बेटा, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा एक बार मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखिए रिपीट करा देता हूँ। इनकम मेथड क्या है, इनकम रिसीव्ड बाय ऑल रेजिडेंट्स। इनकम कहाँ से रिसीव होती है, जो भी इंडिया के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, कोई सी भी कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, रिसीव बाय ऑल रेजिडेंट्स इन कंट्री फॉर ए रेंडिंग देयर प्रोडक्ट सर्विस। कंट्री में रहकर प्रोडक्ट की सर्विस कर रहे हैं प्रोडक्ट की सर्विस, मेहनत कर रहे हैं, और उससे प्राप्त इनकम किसमें आएगी, इनकम में। एड अप टू ऑप्शन ऑफ नेचुरल इनकम, और उसको ऐड करके हम नेचुरल इनकम निकालेंगे। अभी बताऊंगा नेचुरल इनकम निकालना ही बताऊंगा आपको। आगे देखिए कुछ कंपोनेंट्स से इनकम कहां कहां से जनरेट होती है, कहां कहां से आती है। सबसे फर्स्ट था कंपनसेशन एम्प्लॉय, कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर वेजेज इन सैलरी, सैलरी और वेजेज हमें कैश में मिलती है। सेकंड था वेजेज इन सैलरी इन काइंड, हमें सैलरी कैश में ना मिलकर हमें काइंड से मिली, मतलब काइंड से अलाउंस मिला, चाहे फ्री हाउस मिला, फ्री कार मिली, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिली, एजुकेशन फैसिलिटी मिली, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब आपको भविष्य के लिए कोई पैसा आपने जमा करा दिया प्रोविडेंट फंड के रूप में, लेबर सिक्योरिटी स्कीम के रूप में, लेबर सिक्योरिटी फंड के रूप में, कई तरीके से आप फंड कर सकते हैं, फ्यूचर में वो पैसा आपको मिल जाए। रेंट एंड रॉयल्टी, कोई हाउस आपने रेंट में ले रखा है उससे पैसा आया, वो भी आपकी रॉयल्टी। आपने कोई बिजनेस खोल रखा है, उसका आपने किसी को पेटेंट टैग दे दिया, उसको पार्टनरशिप में रख लिया और उससे वो पैसा आया, तो वो भी आपको क्या आएगा, रॉयल्टी। आपने मार्केट में पैसा लगा रखा है, पैसा लगाने के बाद उसका इंटरेस्ट मिला, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट में वो भी इनकम हो गया। प्रॉफिट आए, कोऑपरेटिव टैक्स एंड डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर,
मैंने बता दिया डिविडेंड क्या होता है, कॉपरेटिव क्या होता है, रिटेन अर्निंग भी क्या होता है। मिक्स इनकम मैंने अभी बताया, मिक्स इनकम में क्या है, जब आपको तीन चार तरफ से या दो तीन तरफ से इनकम हो रही हो तो वो दोनों का तीनों का टोटल होकर वो सारी क्या होती है, मिक्स इनकम। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप बेटा। मैंने आज आपको इनकम मेथड की डेफिनेशंस और उसके कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाइए जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर का चैप्टर से फिर आपसे कह रहा हूं, 10 नंबर का चैप्टर से आप अच्छी तरह से कीजिए जिससे आपके डाउट है तो क्लियर कीजिए, और आप साथ साथ नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम सेम टाइम पे स्टडी में प्रॉपरली ध्यान दीजिए। ठीक है? क्योंकि आपको पता है यदि आप स्टडी कंसंट्रेट करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा। हर एक टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो समझ में आएगा, और हर वीडियो को सीजन वाइज जो मैंने बता रखी है, आपको काउंट नंबर इसलिए लिखा हूं जैसे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, वीडियो देखते समय हर काउंट नंबर देख लेना तो आपको वीडियो आपको पता चल जाएगी इसके बाद क्या कराया है, इसके बाद क्या कराया। और फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लासेस आज तक कंडक्ट हो चुकी है, 28 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी है। ठीक है, कुछ दिनों में आपका ये चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ साथ साथ सभी वीडियो देखें, साथ साथ नोट्स बनाइए, स्टडी पे प्रॉपरली वर्क कीजिए, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।